हेलो, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे जो कि फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन गिवन टू अस इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एक मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील जो दिया हुआ है 25,000 न्यूटन मीटर है। द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील इज 25,000 न्यूटन मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज प्लस माइनस 5% एंड द मैक्सिमम सॉरी मीन स्पीड इज 100 RPM। देन फाइंड वी नीड टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द फ्लाई व्हील। वन मोर थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज नॉट गिवन टू अस इन दिस प्रॉब्लम। देन वी नीड टू टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 0.5। इफ द गिवन टू इज दैट देन वी नीड टू कैलकुलेट वेट ऑफ द फ्लाईव्हील। हमें निकालना है वेट ऑफ द फ्लाईव्हील अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो क्वेश्चन गिवन क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम में पहले भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा हुआ है शॉर्टकट में। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई कितना है, 25,000 न्यूटन मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस कोएफिशिएंट हो गया, तो मतलब सी एस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है या जो वैल्यू है वो यूनिटलेस है, इसलिए कोएफिशिएंट वाला टर्म ही होगा। प्लस माइनस 5% है, प्लस माइनस 5 है तो टोटल कितना होगा, 10%, क्योंकि 5% जो है अबव मैक्सिमम के लिए और 5% मिनिमम के लिए। तो टोटल फ्लक्चुएशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम से मिनिमम तक के बीच का फ्लक्चुएशन। ये जो डेल्टा ई है मैक्सिमम के लिए ई1 है, मिनिमम के लिए ई2 है। E1 से E2 के लिए कितना फ्लक्चुएशन आएगा, 10% का होगा फ्लक्चुएशन मीन के रेस्पेक्ट में, 5% का ऊपर 5% का नीचे, इसलिए 10%। इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 10/100, और दूसरे तरीके से 0.1 लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको लेना ले सकते हैं आप। मीन स्पीड दिया हुआ है n इज इक्वल टू आपको 100 RPM। गिवन है और k दिया हुआ है 0.5 मीटर में। अगर एम एम देता तो उसको मीटर में बदल लेते। तो हमें निकालना है वेट, किस में निकलेगा, न्यूटन में। ठीक है, कैसे निकल सकता है, मुझे मालूम है एम इंटू जी होता है। अगर मास निकाल लूँ तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, तो लेट सॉल्व दिस। डेल्टा ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर सी एस एन स्क्वायर। पुट करते हैं, डेल्टा ई जो है 25,000 दिया हुआ है इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 900, एम निकालना है, के है 0.5 मीटर, 0.5 स्क्वायर, सी एस जो आया आपका 10%, 10/100, एन जो है आपको दिया हुआ है 100 RPM, सो 100 का स्क्वायर। अगर इसको मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स कैलकुलेट दिस, 25,000 इंटू 900 इंटू 100 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 100 स्क्वायर, 9118। एम कितना आ गया, 9118.90 kg। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है वेट। तो वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो 9118.9 × 10 से मल्टीप्लाई कर, तो जी के वाले 10 ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो कितना रहेगा, 9118.9 न्यूटन, जिसको मैं क्या ले सकता हूँ, 91.89 kN वेट जो लगेगा। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके वीडियो के लिंक बिलो पे, और प्लीज़ मेरे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को।
If you have any doubt related to this lecture, then please comment below this video. And don't forget to subscribe my channel. Please like, share my videos with your friend. Thank you. Have a good day.